नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। होली का त्यौहार हमारे देश में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अद्भुत माना जाता है। कहते हैं इस दिन सारे गिले शिकवे भूल कर लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन हर राज्य में ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, साथ ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन हम आज जानेंगे अपने देश की सबसे प्रसिद्ध लठमार होली के बारे में, जो कि राधा रानी के बरसाने में मनाई जाती है। इस होली की चर्चा केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। इस दिन पूरे ब्रज में मस्ती का माहौल होता है, क्योंकि इसे कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ की होली में नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं, क्योंकि कृष्ण नंदगांव के थे और राधा रानी बरसाने की थी। नंदगांव की टोलियां जब पिचकारियां लिए बरसाने पहुंचती हैं, तो उन पर बरसाने की महिलाएं खूब लाठियां भांजती हैं। गोपियों के डंडे की मार से बचने के लिए नंदगांव के गवाले लाठी और ढालों का सहारा लेते हैं। यही परंपरा धीरे धीरे चली आ रही है, जिसका आज तक पालन किया जा रहा है। जब नाचते झूमते लोग गांव में पहुंचते हैं, तो औरतें हाथ में ली हुई लाठियों से उन्हें पीटना शुरू कर देती हैं और पुरुष खुद को बचाते भागते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यह सब मारना पीटना हंसी खुशी के वातावरण में होता है। औरतें अपने गांव के पुरुषों पर लाठियां नहीं बरसाती, बाकी आसपास खड़े लोग बीच बीच में रंग बरसाते हुए दिखते हैं। इस होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग बरसाने आते हैं। यह लठमार होली आज भी बरसाना की औरतें और लड़कियां और नंदगांव के आदमी लड़कों के बीच खेली जाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कई तरह से परेशान किया करते थे। कभी उनकी मटकी फोड़ देते थे, तो कभी उन्हें परेशान करने के लिए कोई और बहाना ढूंढते थे। एक बार बरसाने की गोपियों ने मिलकर कृष्ण को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने श्री कृष्ण को उनके साथियों के साथ बरसाने होली खेलने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण और बाकी गवाल जब होली खेलने के लिए बरसाने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गोपियों के हाथ में लाठियां हैं। लाठियां देख गवाले वहां से 9-2-11 होकर भाग गए। गवाले के भाग जाने के बाद जब श्री कृष्ण अकेले पड़ गए, तो गायों के खिरक में जा छिपे। गोपियों ने कान्हा को ढूंढा और इसके बाद गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ जमकर होली खेली। तभी से भगवान का एक और नाम ब्रज दुल भी पड़ गया, और तभी से बरसाने में ये होली आज भी खेली जा रही है, उस परंपरा को आज भी निभाई जाती है। आगे इस तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।